हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मॉनिटर नहीं है, और अगर आप अपने मोबाइल को एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करना चाहते हो, तो उसके साथ उसके उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। उसमें से जो बहुत ही फ्री अच्छा और फ्री वर्जन अवेलेबल है, उसका नाम है स्पेस डेस्क, जो कि उसको आपको उसका जो सर्वर वर्जन है, आपको डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसका जो क्लाइंट वर्जन है वो आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में सपोर्ट मिलेगा इसका। तो आप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू आएगा, स्पेस डेस्क X10। तो आपका जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप सर्वर वर्जन है वो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लोगे, तो आपको यहाँ पे कनेक्शन के लिए वो दिखाई देगा। उससे पहले आपको ये कनेक्शन के लिए वहाँ पे ये विजिबिलिटी नहीं रहेगी, और उसमें आपको रिजोल्यूशन वगैरह कुछ ऑप्शन सपोर्ट मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ये एप्लीकेशन स्पेस डेस्क नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मेरे पास आईफोन है और आईफोन के लिए मैंने डाउनलोड किया है। अगर अभी आप देख सकते हो कि जो भी उसका डेस्कटॉप वर्जन है, तो उसके लिए आपको स्पेस डेस्क नाम का जो स्पेस डेस्क आप सर्च करोगे गूगल में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करने पे आपको उसका जो 64 बिट विंडो 10 के लिए, 32 बिट विंडो 10 के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। विंडो 8.1 और 8.1 के लिए भी, तो दोनों 64 बिट और 32 बिट के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन मिलने के बाद आप उसको डाउनलोड करोगे और उसको आप ओपन करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा एक स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन जैसे ही आएगा, आप उस स्क्रीन को चालू रखोगे, तो जैसे ही आप वो स्क्रीन है उसको आप चालू रखोगे, तो दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है अभी नाउ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि जो भी मेरा डेस्कटॉप पे जो विजिबिलिटी है वो सब वहाँ पे आ चुका है। अभी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप एक्सटेंड मोड में यूज करना चाहते हो या फिर उसको कौन से मोड में यूज करेंगे। तो आप डायरेक्टली जैसे मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो जो भी मेरा स्क्रीन है वहां पर है वही विजिबल हो जाएगा, और अगर एक्सटेंड करता हूँ तो मैं जो भी कोई भी स्क्रीन है वो जहाँ पे मेरे को बेसिकली जो जो भी स्क्रीन मेरे को दूसरी जगह पे मूव करना है वो मूव कर सकता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे ये स्क्रीन मूव हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे YouTube चलाना चाहता हूँ और ब्राउज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी अलग स्क्रीन रहेगी, वहां पर भी अलग स्क्रीन रहेगी। तो आप उसको एज ए मॉनिटर यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो YouTube वीडियो है वो दूसरी जगह पे देखें। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेट से YouTube टाइप कर सकते हो, और वही जो ये स्क्रीन है वो आपको लेट से वहां पे जाना देना है अपने जो भी है मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर जो कि आपका मोबाइल है, वहाँ पे आप लोड कर सकते हो, और वहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो व्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना काम कर सकते हो, पैरेलली वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आपका जो चैट विंडो है, अगर आप उस तरफ वो सेकंड मॉनिटर में करना चाहते हो, तो भी आप उसको कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और वो सभी ऑप्शन आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर से जो जो भी आपका YouTube का जो ब्राउजर है वो फिर से वापस लाना है, तो आप देख सकते हो कि वो आप यहाँ से खींच सकते हो वापस। ठीक है, तो आपको माउस कर्सर जो भी है वहां से लेके फिर से यहाँ पे लाना है, तो वो आपको इजीली सब कुछ सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉनिटर का खर्चा नहीं करना है, और ये दो एप्लीकेशन आप मोबाइल और लैपटॉप में इंस्टॉल करके ही सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सिंपल तरीका है, जिससे आप ये कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से ही। ठीक है, और अगर कुछ नया एप्लीकेशन ओपन करना है जैसे कि मेल, तो वो बेसिकली इट इज वर्किंग एज एन सेकंड मॉनिटर ओनली। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आंसर करूंगा। आप इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे आप ये चीज कर सकते हो, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।